हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जनरल साइंस पार्ट 7 वीडियो है। साइंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे इसके अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा, कुछ नहीं तो आपको साइंस के कॉन्सेप्ट कुछ समझ आ जाएंगे। खासकर SSC MTS या फिर SSC के या फिर UPSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। इस जनरल साइंस की सीरीज चल रही है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये 7th पार्ट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके सारे पार्ट देखते हुए चलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके साइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट की तरफ से। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है और बर्फ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए ये बर्फ का एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, इसका ये वाला सतह एंड ये वाली सतह जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इस सतह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और प्रेशर इतना ज़्यादा लगता है कि यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट ही कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से यहाँ का बर्फ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो दाब अधिक होने से बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगला पॉइंट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो भी कूलेंट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है कन्वेक्शन प्रोसेस पर। कन्वेक्शन प्रोसेस होता है मोटर कार में, जिसकी वजह से जो कूलेंट होता है वो काम करता है, केवल संवहन मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस पर ही काम करता है। कन्वेक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है? कन्वेक्शन प्रोसेस फ्लूड के अंदर की जाती है। कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाए तो इस तरह से ले लीजिए कि आपके पास कोई एक पात्र है जिसके नीचे से आग लगी हुई है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। जब पानी गर्म होने स्टार्ट होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स, इस पात्र के मॉलिक्यूल्स या फिर इस पात्र के सबसे पहले इस पात्र के आइटम्स हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। जब ये पात्र गर्म हो जाएगा देन जो वाटर की नीचे वाली लेयर जो पात्र से चिपकी हुई है वो हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। और जैसे कि आपको पता है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी तो उसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी और वो एनर्जी अब इंक्रीज़ करेगी तो वो मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा, मोशन करता हुआ ऊपर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करेंगे और गर्म मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे और भारी मॉलिक्यूल्स नीचे रहेंगे। अब कुछ देर बाद वो मॉलिक्यूल्स जो ऊपर गया है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वो एटमॉस्फेयर में अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा और ठंडा हो जाएगा। जब ऊपर वाला मॉलिक्यूल ठंडा हो गया तो फिर नीचे वाला गर्म मॉलिक्यूल ठंडे मॉलिक्यूल को नीचे भेज देता है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है तब तक होता है जब तक कि वेपोराइजेशन स्टार्ट ना हो जाए पानी का, और ये प्रोसेस ही कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाता है। कन्वेक्शन प्रोसेस इसी प्रोसेस को बोलते हैं। एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होती है और फिर वो एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करती रहती है। और मोटर कार में जो कूलेंट होता है, शीतलन तंत्र होता है जिसको रेडिएटर बोलते हैं, रेडिएटर भी कुछ इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडिएटर के अंदर फिन्स लगी हुई होती हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि ये रेडिएटर है। डायग्राम अच्छा नहीं बना यार, लेकिन समझ लेना, ये कुछ इस तरह की फिन्स लगी हुई होती हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे, और इस फिन्स पर जो है अंदर पाइप लगे हुए होते हैं। ये यहाँ से पानी आएगा एंड यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा सा फैन लगा हुआ होता है, ये एक बड़ा सा फैन लगा हुआ होता है, इस तरफ बीच में लगा हुआ होता है फैन। अब जब फैन रोटेट करता है तो फैन एयर को शक करता है दूसरी साइड से, उस साइड से एयर शक होती है और इस साइड को निकल कर आती है एयर। जब एयर फिन्स के पास से निकल कर जाती है, फिन्स मतलब ये जाली जो है, जब इसके अंदर से निकल कर जाती है, चूंकि जाली के अंदर ठंडा पानी फ्लो हो रहा है
देन एयर जो आने वाली है फिन्स से टकराती है और फिन्स को अपनी सेंसिबल हीट दे देती है क्योंकि एयर गर्म है, या फिर फिन्स यू कहें फिन्स जो है जो ठंडी फिन्स हैं उन्होंने एयर की सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब कर ली। सेंसिबल हीट उस हीट को बोलते हैं जिसको हम सेंस कर सकें। जब सेंसिबल हीट एब्जॉर्ब कर ली फिन्स ने, देन अब जो एयर आने वाली है पंखे के दूसरी साइड से वो थोड़ी ठंडी होगी, पहले के मुकाबले थोड़ी ठंडी होगी क्योंकि उसकी हीट फिन्स ने एब्जॉर्ब कर ली, जाली ने एब्जॉर्ब कर ली। अब वो ठंडी एयर इंजन पर पड़ेंगी और वो इंजन को कूल करेंगी। ठंडी एयर जब इंजन पर पड़ेगी तो इंजन की अब एयर इंजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने साथ, एनर्जी को थोड़ी बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ले जाएगी जिससे इंजन का ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है यही कन्वेक्शन प्रोसेस है। अगला पॉइंट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? दोस्तों प्रोटीनों का एमिनो एसिड में टूटना ही, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनका एमिनो अम्ल में विघटन जो होता है वो जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया है जो कि पाचक प्रक्रिया है। मतलब पाचक प्रक्रिया होती है प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रोटीनों का एमिनो एसिड्स में डिकम्पोज होगा उसी को पाचक प्रक्रिया कहेंगे जीवित प्राणियों के शरीर में। अगला पॉइंट है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो रेडिएशंस यूज की जाती हैं वो हर्ट्स या फिर लघु रेडियो रेज होती हैं जिनको किसी दूर टेलीविजन के अंदर यूज किया जाता है। बहुत दूरी पर ट्रांसमीटर होते हैं और बहुत दूरी पर रिसीवर होते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से एक सिस्टम है, यहाँ पर ट्रांसमीटर है और यहाँ पर रिसीवर है और हमारा रिसीवर के पास ही हमारा टेलीविज़न रखा हुआ है। तो टेलीविज़न एंटीना के थ्रू जो रिसीव करेगा, तो ये मेरा ट्रांसमीटर है, ये रेडियो वेव्स आ रही हैं उसको एंटीना रिसीव करेगा। तो ये वेव्स जो हैं या तो लघु रेडियो तरंगा होती हैं या फिर हर्ट्ज वेव्स होती हैं। अगला पॉइंट है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है जुपिटर। दोस्तों जुपिटर जो कि एक बहुत बड़ा जाइंट प्लेनेट है, इसके 63 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं और इस पर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट पाई जाती है वो मीथेन की पाई जाती है। इसके अंदर कुछ चक्र बने हुए होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, साफ दिखाई देती हैं, स्पॉट्स होते हैं अलग अलग। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। अगला पॉइंट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? वो है ट्रिप्सिन। दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। अगला पॉइंट, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग किस चीज़ से पीड़ित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं बेरी रोग से। बेरी रोग हो जाता है उन लोगों को जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, और ये विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। अगला पॉइंट है, मांसपेशियां निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस करती हैं? वो है लैक्टिक एसिड। अगर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारी मसल्स एक थकान महसूस करती हैं, या फिर यूं कहें हमको थकान हो जाती है। वो इसका रीज़न है कि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है? दोस्तों प्रकाश वर्ष कई बार पूछा गया है, ये एक दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश एक साल में जितनी दूरी ट्रैवल करता है उसी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसकी वैल्यू 9.46 × 10^15 होती है, 9.46 × 10^15 होती है एक प्रकाश वर्ष। लास्ट पॉइंट आज का, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है फैदोमीटर। फैदोमीटर के थ्रू ही हम समुद्र की डेप्थ मेजर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट, उम्मीद आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसमें आपके उम्मीद है 4-5 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए होंगे किस तरह से क्या होता है। कन्वेक्शन का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा, मीथेन वगैरह का सिद्धांत क्लियर हो गया, टेलीविज़न का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा,
कन्वेक्शन का तो हो चुका है एंड बर्फ़ फ्यूज़ हो जाती है अपने एजेस पर है जहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा लगता है। ये बर्फ़ के अलावा और भी बहुत मेटल होते हैं जिन पर यह प्रोसेस लगता है। अगर हाई प्रेशर किसी मेटल पर अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो इतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा कि वो फ्यूज़ ही हो जाएगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट, उम्मीद आपको बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।